मैं निवेदन करता हूँ भाई, थोड़ा बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, कई बार मैं भी बोल गया हूँ, कोई बात ना कहने की हो। देखो कुछ फॉर्म तो आदमी उतारे जगह की कर दिया, तो मैं गलती मानता हूँ, अगर कोई ऐसी भाषा मेरे मुख से निकलेगी हो तो माफ भी करियो, और एक ऐसा रास्ता हमारे को दिखाओ। मैडम आदमी जी का बहुत यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संघर्षक पीटीआई, हमारे साथियों, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, खाप पंचायतों से आए हुए हमारे सभी सामान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों जिन्होंने समर्थन दिया, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ यहाँ पर नेतागण हैं, हमारे सभी साथी हैं, मंच का बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं और अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से रखने का पूरा प्रयास करते हुए हमारी भाई नरेश जी, हमारी बहन सरोज जी, एडवोकेट उदयभान जी, दुर्गा जी, भाई हमारे नाहर जी, सुभाष गुजर जी, वीरेंद्र दरोगा जी, भाई जेपी जी, सुनील जी, भाई दीपक जी, विकास अलावत जी, अजय चिकारा जी, और भी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधु, एक ऐसे संकट की घड़ी में, एक ऐसे संकट के समय में आपके बीच में आना हुआ है, जिस समय कोरोना जैसी महामारी से, कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे में इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये काम किया है, ऊपर वाला भी उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज हमारे जितने भी पीटीआई साथी हैं, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के जितने भी साथी उनको समर्थन देने के लिए आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। सरकार किसी की भी हो, जब भी किसी के साथ अन्याय हो तो न्याय के लिए लड़ना सबका जिम्मेवारी बनती है। आप कह रहे थे शायद मैं ज्यादा बोल गया, अब आप टीचर बिरादरी से हैं, जब तक पूरा लेक्चर नहीं हो जाएगा कोई आपको चुप करा ही नहीं सकता, इसीलिए हम भी एक चुपचाप जैसे एक विद्यार्थी होता है उस तरह से सुनते रहे कि किस प्रकार से जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश में नेशनल गेम्स में हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में हो, ओलंपिक गेम्स में हो, हमेशा भारत देश का नाम अगर किसी ने रोशन खेलों में किया है तो वो हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है, आपके शिष्यों ने किया है, जिसको आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सींचने का काम किया। आज हमारे जो पीटीआई साथी यहाँ पर बैठे हैं 1983, मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जब पहली बार ये सरकार बीजेपी की बनी थी, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हम लोग मूर्ख हैं? क्या हमें पता नहीं है? क्या आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना नहीं है कि कितने करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, और लाखों की संख्या में इन्होंने युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। हमारी हरियाणा सरकार जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा रोजगार देने की बात कही इन्होंने, और फिर कहते हैं हमने तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कही है, स्वरोजगार देने की बात कही है। हमें सिर्फ पूछना चाहते हैं, जब आपके पास इतना बड़ा एडवोकेट जनरल ऑफिस है, इतना बड़ा एजी ऑफिस है, उसमें बड़े से बड़े आपके पास वकील हैं, आपके पास भारत सरकार में जो वकील जाते हैं वो हैं, जिस समय में हमारे पीटीआई साथियों का मामला कोर्ट में गया, तो आपने इस केस को अच्छे ढंग से पैरवी क्यों नहीं की, क्यों इनको इनके हाल पर छोड़ने का काम किया? आप तो हरियाणा सरकार के कर्मचारी थे, आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी उस समय रहे, आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी थे, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जिन कर्मचारियों ने अच्छे ढंग से अपना कार्य करने का प्रयास किया तो सरकार ने अपनी ताकत से आपकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हमारे बहुत से साथियों ने ये कहा कि बहन जी यहाँ से झज्जर से लोकल विधायक है, मैं आप सबका एहसान नहीं भूल सकती, आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से ही मैं यहाँ से विधायक हूँ, आपके आशीर्वाद से ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से ही पहले मैं कैबिनेट मंत्री रही और चौथी बार मैं यहाँ से विधायक हूँ। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, जिस प्रकार से आप हमारी लड़ाई
यहाँ ठीक है कोई राजनीतिक मंच नहीं है ये, लेकिन हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम तो इस चीज का एहसान मानते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ी आप लोगों ने हमारी मदद की है। आज आप लोगों की जरूरत है खुले मन से, आपको जितने हमारे 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा राज्य में निकाले गए हैं उनके समर्थन में हमारी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी और हम सब साथी आपके इस संघर्ष में, आपकी लड़ाई में आपके साथ आज आपको सहयोग और समर्थन देने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। मेरा यहाँ ना आने का कुछ कारण है, आपकी स्टेट एसोसिएशन मुझे चंडीगढ़ में मिली और उनका हरियाणा मिले हॉस्टल के बाहर भी धरना था, कुछ साथी हमारे वहाँ पर भी मिले, उसके अलावा कुछ गुड़गांव के हमारे साथी मिले। मैंने प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से भी बात की, जिस समय कैथल में हमारे पीटीआई साथियों ने उनसे बात करने का प्रयास किया, एक मंत्री की ये जिम्मेवारी है, विभाग हमने भी साथ साथ संभाले हैं, एक मंत्री की ये जिम्मेवारी है कि जब आपका मंत्रालय आपका विभाग इस सबके सहारे चलता है तो आपको तो इनकी बात पूरी अच्छे ढंग से सुननी चाहिए थी। मैंने उनसे पूछा कि बात सुनने के बाद आपने क्या प्रयास किया, इनको तो केवल लगता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, उसको तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस खट्टर सरकार से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो एसवाईएल का भी हमारे हक में आया हुआ है, हमारी लाइफ लाइन है एसवाईएल, हमारे हक में आया हुआ है, तो क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट करते, क्यों वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं, क्यों आपका मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस पे लिखा था, क्योंकि इस समय कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इस समय कोई भी व्यक्ति घर से निकल नहीं रहा है, इंसान इंसान से डरने लग गया है क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे संकट के समय में आप लोग केवल 1983 नहीं है, कम से कम 10,000 लोग ऐसे आपके परिवार के साथी जो हैं, उनकी पेट पर लात मारने का काम इस सरकार ने किया है, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। कहां तो देश के प्रधानमंत्री मन की बात में कह रहे थे कि इस महामारी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कोई किसी को नौकरी से नहीं निकालेगा, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री वाला व्यक्ति किसी मजदूर को नहीं निकालेगा, कोई स्कूल वाला टीचर को नहीं निकालेगा, कोई मकान मालिक अपने किराएदार को नहीं निकालेगा और किराया नहीं लेगा। तो क्या केवल ये कहने कहने के हैं, करने के नहीं है? जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप टीवी पर आके करते हैं तो आपकी करनी और ककनी में नजर साफ आता है कि आपने इनके पेट पर लात मारने का काम किया है। आज हम आपको न केवल समर्थन देने आए हैं, जो कानूनी लड़ाई एक लड़ी उस विषय में भी हमने सरकार के सभी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात की है, सभी साथियों से भी बात की है, अभी ये रास्ता बंद नहीं हुआ है, ये संघर्ष हमारा अब शुरू हुआ है और हम सब साथी आपको इस संघर्ष में साथ देने के लिए आए हैं। मैं आश्वासन देती हूँ मुझसे पूर्व हमारे सभी विधायक, हमारे वरिष्ठ साथी विधायक और नेता डॉक्टर वीर सिंह कादियान जी, हमारे भाई विधायक राजेंद्र जून जी, हमारे भाई विधायक कुलदीप बरसी और भी बहुत से राजनीतिक और सामाजिक मन से सभी ने आकर आपको आश्वासन दिया है। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ मानसून सत्र पहले तो उन्होंने कहा था हम कैंसिल कर देंगे, हमने लेकिन स्पीकर महोदय को कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सत्र को कैंसिल करने का खुद ही एक घोषणा कर दें जब तक फैसला नहीं होता। मैं आपको इस मंच के माध्यम से जहां आपको समर्थन देने आई हूं, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं, आपने कमजोर बहन को चुनकर नहीं भेज रखा, ईंट से ईंट ही सरकार की हम लोग न केवल कॉल अटेंशन मोशन एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे कि सरकार का कोई भी विधायी कार्य नहीं होगा जब तक आप हमारे जो पीटीआई साथी हैं इनके बारे में इनकी जर्नी सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हो चुका था, कंटेंट तक सरकार को वोटिंग पड़ी थी,
वो तो जबकि टेम्परेरी लगाए गए थे, उनको भी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर और विधानसभा में जो है उसमें विधेयक लाकर उनको पक्का करने का काम किया। अब तो पक्के लगे हुए थे। बार बार ठीक कहना पड़ रहा है तो दुख होता है कि एक ऐसा पौधा जो 10 साल पहले जिसने हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं देने का काम किया, अच्छे नर्सरी से आपने अच्छे पौधे तैयार करके हमारे युवा खिलाड़ियों को आपने पैदा करने का काम किया, आज सरकार ने आपके साथ जो किया है उसके लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम पूछेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आप ये बताएं कि आपने इनकी लड़ाई में क्या साथ दिया। आप ये बताएं कि जब इस समय किसी को निकाला नहीं जा सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना है कि जब उन्होंने कहा था कि 5 महीने के बाद, लॉकडाउन के 5 महीने के बाद आप इस भर्ती प्रक्रिया को करेंगे। मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई और कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो हमारे 1983 पीटीआईज निकाले गए हैं उनको भी हम वो शामिल रहेंगे, बाकी जो भी उस समय के एप्लीकेंट रहेंगे। अब कौन कहाँ चला गया किसको, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत से लोग जो है दूसरी जगह जा चुके हैं, तो सरकार को इतनी वैकेंसीज पड़ी हैं, जिन लोगों ने आरटीआई लेके जिन लोगों ने ये केस डाला था उनसे भी बातचीत करनी चाहिए थी। सरकार को और ज्यादा वैकेंसीज निकालनी चाहिए, और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जब इतने सारे स्कूल कॉलेज खोले जा रहे थे तो इनको भर्ती भी करनी चाहिए थी। ये तो ऐसी निकम्मी सरकार है जिसमें 1026 तो इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं, और अब जो ज्यादातर हमारा लेबर तबका जो है वो जो यहाँ से जा चुके हैं प्रवासी मजदूर, जो सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते थे, मुझे लगता है 2500 से ज्यादा स्कूल जो है ये बंद करने की तैयारी में। इनको तो केवल बंद करना आता है, चलाना कुछ नहीं आता। जो भी चीज नजर आए, स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, आईटीआई बंद कर दो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दो, पीछे से कह रहे थे हमारा प्रारंभिक शिक्षण बंद कर देंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, 6 साल में आपने हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसी योजना या परियोजना नहीं दी। जब आप कुछ हमें दे नहीं रहे हैं तो आप हमसे ले क्यों रहे हैं। वही बात आज मैं आपको कहने आई हूँ। जब आपको अच्छे से रोजगार, सरकार ने क्या कहा कि हम लगातार युवाओं की भर्ती करने का काम करेंगे। आज मैं पूछना चाहती हूँ इतने क्या सक्षम के नाम पर केवल ग्रेड टू बनाने का काम किया। पढ़ा लिखा युवा हमारा सड़कों पर धक्के खा रहा है, कभी खंबे गिन रहा है, कभी टॉयलेट गिन रहा है, कभी गौशाला में जा रहा है, कभी इस सरकार ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार से ही कहना चाहती हूँ कि आपने जो युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आप उनको रोजगार दें, और जब तक आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, आप बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हमारे युवा साथियों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, आज हमारे पीटीआई साथी यहाँ पर संघर्ष रखते हैं। मैं आपको केवल एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा में लड़ने का काम हम लोग पूरी तरह से लड़ने का काम करेंगे। आपने अच्छे से अच्छे वकील की, हमें सारा मालूम है, लेकिन कई बार जैसा कि हमारे भाई एडवोकेट गुड़िया जी कह रहे थे, वो धार्मिक मामला है, उसमें सरकार का प्रेशर काम आया। बहुत सारे जजेस, इतिहास गवाह है इस बात का कि बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिनको आज उन्होंने चीफ जस्टिस को राज्यसभा में पेश किया, कि वो लोग भी सड़क पर आए मीडिया के बंधुओं के आगे, और जुडिशरी ने भी आकर कहा कि यहाँ पर तो जो है डिक्टेटरशिप चल रही है, जुडिशरी जो है वो स्मूथली अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब इस सरकार ने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको खराब करने का काम किया है। कई लेजिस्लेटिव कई दुखी हैं, कई एग्जीक्यूटिव जिनको काम करना है वो दुखी हैं, कई हमारी जुडिशरी दुखी है, कहीं ये नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देने वाले हमारे पीटीआई दुखी हैं, जो ऐसे कोरोना जैसी महामारी के दौर में उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। न केवल हमारे ये पीटीआई साथी आज झज्जर में धरने पर बैठे हैं, पूरे के पूरे हरियाणा में इन्होंने धरना जुलूस किया है, और सभी ने सब कर्मचारी संघ है, दूसरे संघ है, देख रही थी हमारी मिड डे मील की बहनें भी साथ में बैठी हैं, और दूसरे सभी साथी इनका समर्थन दे रहे हैं। तो मैं तो केवल एक बात कहती हूँ कि आपका संघर्ष है, इस संघर्ष में हम आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, और ये लगाया हुआ पौधा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। हम इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हमारी सरकार आएगी, ये तो आश्वासन है। एक कदम से आपके हित में फैसला करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन उससे पहले भी हमारा
का एक प्रयास रहेगा कि विधानसभा में हम लोग अडजमेंट मोशन लेकर आएंगे कि जब तक आप इनकी लड़ाई नहीं लड़ लेते, आप जब तक इनकी बात नहीं सुन लेते, जब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं देते, सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। आरएसएस का एक एक व्यक्ति इन्होंने हर जगह जिला प्रशासन से लेकर स्टेट लेवल तक जो है वो बिठा रखा है। उनसे पूछें कौन लोग हैं, क्यों उनको बिठा रखा है, कह रहे हैं कि वो हमारे सुशासन सहयोगी है। उनसे पूछो एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर, एक डीसी के ऊपर, एक एसीएस के ऊपर, क्या आपको यूपीएससी और एचसीएस से सिलेक्टेड जो अधिकारी हैं, क्या सरकार को उन पर विश्वास नहीं है, जो आपने हर जगह अपने आरएसएस के सुशासन सहयोगियों के रूप में उनके सर पर बिठाने का काम किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये आश्वासन देते हुए कि आज हम इस संघर्ष में आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई को, जैसा कि हमारे साथ इस समय वकील भी हमारे कई साथी यहाँ पर बैठे हैं, हम जहाँ कानूनी तौर पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी के स्तर पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और आपको आश्वासन देते हैं कि आप जिस प्रकार से अपना संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष हमेशा रंग लेकर आता है। अभी